अरे आप यहाँ क्यों आ गई? मैं चाय भिजवाने ही वाली थी। मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता मेरा यहाँ आना? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ये उदासी कैसी? बस ऐसे ही सोचती हूँ कि अगर कभी कोई मेरी बहन होती तो वो बिल्कुल ऐसी ही होती। ऐसी होती क्या मतलब? मैं भी ना अल्लाह से यही गिला किया करती थी कि मेरी कोई बहन क्यों नहीं है, लेकिन अब देखो अचानक से तुम मिल गई। अल्लाह भी ना बहुत सरप्राइजेस देता है इंसान को। अल्लाह बहुत मेहरबान है। तो फिर बस अब से ये तकल्लुफ खत्म, अब तो हमारी बहनों वाली दोस्ती होगी जिसमें कभी कभी लड़ाई भी हो जाया करेगी, और जो लड़ेगा वो ही पहले मनाएगा। डन डन। आओ फिर चाय। अब मैं तुम्हें उदास ना देखूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आयजा, मैं रिदा बात कर रही हूँ। हाँ रिदा, बोलो, खैरियत? हाँ, बस वो ज़रा सा मशवरा करना था तुमसे। मैं दरअसल जॉब के लिए आई हूँ। जॉब? हाँ, एक स्कूल में असिस्टेंट की जॉब के लिए आई थी मैं यहाँ पर अपनी सीवी लेकर। मैं चाह रही थी अगर तुम भी मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा रिदा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी एजुकेशन क्या है? चाहती तो थी कि सायम के साथ एमबीए करूं, मगर खुदा को जो मंजूर। फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन की है मैंने। ओह, ये तो बेस्ट हो गया। रिदा, तुम्हें किसी ऑफिस में इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है, अब हम दोनों मिलकर अपना काम करेंगे। अपना काम? हाँ अपना काम। अच्छा तुम मुझे ये बताओ तुम हो कहाँ, बल्कि मुझे लोकेशन सेंड कर दो, मैं अभी तुम्हारे पास पहुंचकर सब तफसील से बताती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़। दानियाल, कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। काफी दिनों से तुमसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम उलझे उलझे हो। बताओ मुझे, बताओ भी क्या बात है, क्यों छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो? शेयर करो मुझसे क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा ना, बस मेरा यहाँ पे रुकना बहुत जरूरी है। क्यों, किसके लिए भाई? किसी के लिए। कौन है बताओ तो। अरे दानियाल, सीधे सीधे उसका नाम लो ना, मैं तुम्हें जाने नहीं दे रही। बता ना, मैं तेरा दोस्त हूँ, उससे शेयर कर सकता है। रिदा, रिदा, रिदा वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अच्छा, रिदा ही वही लड़की है जिसे पहली दफा तुमने देखते ही दिल दे दिया है ना? हाँ। तो प्रपोज क्यों नहीं किया उसे फिर? कैसे प्रपोज करते हैं यार, उसकी एंगेजमेंट हुई हुई थी तब, वो किसी और को पसंद करती थी और दोनों की शादी होने वाली थी, तब मैंने समझा लिया तो खुद को, मैंने रास्ते से हट गया था। तो अब मैं उसे हमेशा के लिए अपनाना चाहता हूँ यार। बेस्ट ऑफ लक दानियाल, मेरा मशवरा ये है पहले तुम रिदा से खुद बात करो और बाद में प्रपोजल भेज दो। अम्मी, आप यहाँ बैठी हैं और मैं आपको सारे घर में ढूंढ रही थी। वाह, ये आज आपको क्या सूझे जो आपने इतनी सारी ज्वेलरी निकाल ली है? बस मेरा दिल कर रहा था, निकाल ली। ये देखो, तुम्हारे लिए ये मैंने गोल्ड का सेट बनवाया है, बहुत खूबसूरत है। और ये जो डायमंड्स का है ना,
इसका मुझे सबसे अच्छी ये माथा पट्टी लगती है। लगा के देखो कितनी खूबसूरत लगेगी तुम पे। ये सेट मुझे इतना पसंद आया था मैंने ऑर्डर करवा दिया तुम्हारे लिए। इट्स ब्यूटीफुल। और ये जो कड़े हैं ना पहन कर दिखाओ। बहुत खूबसूरत है। और ये माथा पट्टी तो अम्मी बहुत खूबसूरत है। मैं सोच रही हूँ कि ये हम भाई की दुल्हन को दे दें, वो बहुत प्यारी लगेगी। और ये जो सेट है ना ये हम भाई की दुल्हन को मुंह दिखाई पर दे देंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह तुम्हारा वक्त खैर खैरियत से जल्दी लेके आए। अपनी ज्वेलरी खुद पहनो तुम। आमीन आमीन। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने दानी भाई की दुल्हन के लिए क्या क्या रखा हुआ है। तो ये बात है उसके लिए भी मैंने बहुत कुछ बनवा के रखा है। जब वक्त आएगा ना दिखाऊंगी तुम्हें। हो सकता है कि वक्त आ ही गया हो। क्या मतलब है अम्मी? अब आप देखें ना, मेरा एक ही तो भाई है और मैं सोचती हूँ कि इस घर में हम दोनों कब तक अकेली रहेंगी। आपको ये घर सुना सुना नहीं लगता? रफिया मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम कुछ पहेलियां से बुझवा रही हो। तो साफ साफ बताओ बच्चे तुम क्या बात करना चाहती हो। देख ले आप मुझे डांटेंगी तो नहीं? भाई अगर डांट वाली बात हुई तो जरूर पड़ेगी डांट तुम्हें। अब वो अम्मी मुझे ना एक लड़की बहुत पसंद आई है। बहुत भोली सी है, मासूम है और बिल्कुल वैसी है जैसी आप बहू चाहती हैं। कौन है वो लड़की? किसकी बात कर रही हो तुम? अब अम्मी आपको रिदा तो याद होगी ना। रिदा? कौन रिदा? अब अम्मी वो जिसके फादर की हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी। खबरदार जो आई था तुमने ऐसा मजाक किया तो। अम्मी ये मजाक नहीं है। अगर ये मजाक नहीं है तो और भी ज्यादा बुरी बात है। अम्मी वो बहुत नेक लड़की है। बहुत बड़े खानदान से उसका ताल्लुक है। बड़े खानदान से ताल्लुक है? पूरे जहान में वो सिर्फ दो माँ बेटियां ही हैं। देखा था ना जब उनकी डेथ हुई थी कितने रिश्तेदार थे उनके उस पे। अम्मी इससे क्या फर्क पड़ता है? रफिया इससे बहुत फर्क पड़ता है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम इसकी इतनी हिमायत क्यों कर रही हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस वो मुझे अच्छी लगी थी। दुनिया भर की कवारी लड़कियां क्या मर गई हैं जो तुम्हें एक बेवा लड़की ही मेरे बेटे के लिए पसंद आई है? खबरदार जो तुमने मेरे बेटे के लिए ऐसी वैसी लड़की को पसंद किया तो। बजे की कॉल आ रही। अस्सलाम वालेकुम बजिया। क्या हाल है, कैसी हैं आप? आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? मैं तो तुम्हें याद करती रहती हूँ, तुमने ही मुझे याद नहीं रखा। कहाँ बजिया, मैं तो आपको फोन करती रहती हूँ ना। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने आयजा का कहीं रिश्ता तो नहीं किया ना? नहीं आपा, लेकिन आजकल सीरियसली सोच रहे हैं उसके बारे में। एक दो प्रपोजल आए हैं उसके। फिलहाल तुम्हें कोई प्रपोजल देखने की जरूरत नहीं। क्या क्या मतलब बच्चिया? बस मतलब मैं तुम्हें आके समझाऊंगी। अरे अब पाकिस्तान आ रही है, कब? मैंने समर से कहा है कि अपनी छुट्टी के लिए अप्लाई करे। जैसे ही उसकी छुट्टी कंफर्म होगी हम फौरन पाकिस्तान की टिकट्स बुक करवा लेंगे। ये तो बड़ी खुशी की खबर सुना दी आपने, मैं तो शिद्दत से आपका इंतजार करूंगी। अच्छा सुनो, आयजा को बहुत प्यार देना। मैं आती हूँ तो फिर डिटेल से बैठ के बात करेंगे। जी बजिया, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और समर को प्यार दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बजिया और समर पाकिस्तान आ रहे हैं, लगता है किसी खास मकसद के लिए आ रहे हैं। और वो मकसद आयजा है मेरा ख्याल। रिदा तुम तो अपनी अम्मी को कॉल कर लो, परेशान हो रही होंगी खामखा। नहीं नहीं, कॉल करने की क्या जरूरत है, अम्मी आंटी परेशान हो जाएंगी ना, अकेली हैं वो, सिकंदर का सुन के परेशान होंगी। मैं छोड़ आता हूँ रिदा को। नहीं प्लीज़ आप लोग परेशान मत हो, मैं खुद चली जाऊँगी, मैं कैब से ही चली जाऊँगी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नहीं नहीं हमारे होते हुए आपको क्या आपकी क्या जरूरत है, मैं आपको छोड़ा था, इट्स ओके। हाँ रिदा, तुम्हें कैब बुलाने की क्या जरूरत है, यह ना तुम्हें ड्रॉप कर आएगा। तुम जाओ, इस तरह सेफ भी नहीं होता। चलो अपना ख्याल रखना, परेशान मत होना। थैंक यू। आयजा तुम्हें सिकंदर बुला रहे हैं अंदर। अच्छा चलो मैं जा रही हूँ। चल। बात करनी है तुमसे। जी कहें। देखो मैं जो भी कुछ कहने जा रहा हूँ ना उसको खुले दिल से सुनना। देखो मैं मेरी बात का प्लीज गलत मतलब ना लेना, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ दिल से, आई मीन इट। तुम जानती हो ना मुझे, मैं आपको अभी भी उतना ही जानती हूँ जितना पहले जानती थी। जो भी बात है जल्दी करें, लोग देख रहे हैं। सॉरी, तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। तभी से तुम्हें चाहने लगा हूं जब से तुम्हें पहली बार देखा था मैंने। बस आप अपने होश और हवास में ये बात कर रहे हैं? आपकी जुर्रत भी कैसे हुई मेरे बारे में ये सोचने की? आपको क्या लगा कि एक लड़की है जो गरीब है मजबूर है तो जो दिल चाहेगा वो बोलूंगा, जो दिल चाहेगा वो सोचूंगा? बहुत गलत किया आपने, बहुत गलत। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज प्लीज मुझे गलत मत समझो। गलत मत समझो, जो आपने किया है वो गलत है। ये हरकत प्रूफ करती है कि आप कितने गलत हैं, कितनी गलत है आपकी सोच। आज के बाद कभी मेरे सामने मत आइएगा। तू मेरा चैन है, मेरी नींद है, मेरी चाहत है। तू मेरा चैन है, मेरी नींद है, मेरी चाहत है। मेरे जीने की उम्मीद है, मेरी राहत है। देखो रिदा, मैं कब से तुमसे वही सवाल पूछती जा रही हूं, तुम हो कि मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रही हो, चुप करके बस एक जगह बैठी हो। रिद्धा, तुम्हें खुदा का वास्ता है मुझे बताओ तो सही, किसने तुम्हें क्या कह दिया जो अब तुम हॉस्पिटल में जॉब नहीं करना चाह रही? मैं आपको बता तो दूं मगर आप नाराज हो जाएंगी। रिद्धा, मैं भला क्यों तुम्हारी किसी बात पर नाराज होंगी, तो मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है? वो जो आपके कजन है ना। मेरे कजन कौन? वो जो सिकंदर भाई के साथ होते हैं, जो अमेरिका से आए हैं। दानियाल? पागल लड़की, वो हमारे कजन नहीं है, वो तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा सॉरी, तुम अपनी बात कंटिन्यू करो। क्या उसने कुछ कहा है तुम्हें? अच्छे आदमी नहीं है। क्या? मैं उन्हें पहले से जानती हूँ। एक बार ना वो हमारे कॉलेज में ब्लड बैंक के साथ आए थे जब पापा को पहली बार हार्ट अटैक हुआ था। अच्छा फिर उसने कहा क्या है तुम्हें, तुम मुझे ये बताओ।
कल जब वो मुझे ड्रॉप करने आ रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे। रिदा, देखो मैं भी दानियाल को बहुत अरसे से जानती हूँ और वो कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर सकता, इतना तो मुझे भी पता है। ज़रूर तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी होगी। मैं आपसे कह रही थी कि आपको बुरा लगेगा, आप नाराज हो जाएंगी। रिदा, मैं नहीं हुई नाराज। तुम मुझे बताओ सीधा सीधा कि उसने कहा क्या है तुम्हें। उन्होंने मुझे कहा है कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तुमसे शादी करना चाहते हैं? तो ये तो अच्छी बात है ना, वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। इतना अच्छा लड़का है वो रिदा। तुम इस बारे में थोड़ा ठंडा होके सोचो, बहुत अच्छा लड़का है। हेलो वाह जी, अब अनजान भी बनना आ गया है आपको। खैर, रिदा ने मुझे सब कुछ बता दिया है, अब अनजान बनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अब प्लीज मजीद कोई झूठे बहाने मत बनाओ। उसने बता दिया तुम्हें सब? तो वो मेरी दोस्त है दानियाल। सॉरी। अच्छा खैर, बताओ क्या इरादे हैं आप, शादी कब कर रहे हो? शादी? अम्मी ने इनकार कर दिया है। What? लेकिन क्यों? आयजा, मैं आके बताऊंगा सब। अच्छा अच्छा, तुम टेंशन ना लो और तुम्हें आने की भी कोई जरूरत नहीं है, मैं और भाई अभी आते हैं। तुम लोग यहाँ? हाँ तो और, हम नहीं आ सकते? तुम्हारे कुछ लगते हैं या नहीं? तुम्हारा हाल पूछने आएंगे? नहीं, मैं तो यही बोल रहा था। बिल्कुल तुम लोग आओ, अपना ही घर है तुम लोगों का। ओके, मैं बस हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी, फिर मैं भाई से बात करके तुम्हें बताती हूँ। ओके ओके, बाय। मम्मी आप भी चले ना मेरे साथ। नहीं भाई नहीं, मुझे इस मामले से दूर ही रखो, ये माँ बेटे का मामला है। अच्छा, तो मतलब आप दानियाल को अपना बेटा नहीं समझती, बस ऐवी बातों बातों में उसे बेटा बोलती रहती हैं। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा इमोशनल डायलॉग्स मत बोलो, मुझे कुछ सोचने दो। मम्मी सोचना क्या है, बस तैयारी करें, चलते हैं। आयजा अब इतनी भी भगदड़ ना मचाओ, मुझे पहले कुछ सोचने दो, तुम्हारे पापा से बात करने दो बेटा। पापा को अभी डिटेल बताने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी उन्होंने कौन सा कभी हमें रोका है वहां जाने से। फिर भी बेटा बताना तो पड़ेगा, और रिदा और रिदा की माँ भी तो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है, खाली शहनाज भाभी को मनाने से क्या होगा? शहनाज आंटी मान जाए तो उन दोनों को मनाना मेरा काम है। ये कोई गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है बेटा, तुम अपनी प्लानिंग किए बैठी हो, मुझे पहले तुम्हारे पापा से बात करनी होगी और फिर जाने से पहले जैनब बहन से भी बात करके जाऊंगी मैं। लेकिन मम्मी जैनब आंटी से क्यों, मेरे शहनाज आंटी तो मान जाए। आयजा वो बेटी की माँ है और बेटी के रिश्ते की बात उसके कान में डालना जरूरी है, समझी तुम?